अस्सलामुअलैकुम जी, वेलकम एंड वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। आज है जी सेकंड रोज़ा और सेकंड रोज़े की इफ्तारी की हो रही है तैयारी। और एक बार फिर से मुझसे कटिंग बोर्ड हैंडल नहीं हो रहा। देखिए, कभी स्लिप होके कहीं जा रहा है, कभी कहीं जा रहा है। और मुझे यहाँ पर करने थे आलू कट, मुझे पकोड़े बनाने थे, मिक्स पकोड़े, उनकी तैयारी कर रही थी। ये मेरा ना सबसे फेवरेट पार्ट है इफ्तार का कि मिक्स पकोड़े होने चाहिए तो फिर ही मेरा रोज़ा खुलता है। मैं उस कबीले से हूँ जिनकी इफ्तारी होती ही पकोड़ों के साथ। अगर पकोड़े नहीं है तो मतलब आपका रोज़ा तब तक इफ्तार ही नहीं हुआ, मतलब ही पूरा नहीं हुआ है। आज हम बनाए थे साथ में दही भल्ले और साथ में बने थे पोटैटो कटलेट्स। अब ये वो वाले कटलेट्स हैं जिनकी रेसिपी मैंने आपके साथ शेयर की हुई है। और ये मैंने अपने 2024 का जो सबसे फर्स्ट व्लॉग था ना, उसमें मैंने बनाए थे। तब तो ऐसे सॉफ्ट हो गए थे क्योंकि वो पोटैटोस ठीक से ठंडे नहीं हो सके थे ना, तो उसकी वजह से टूट गए थे। लेकिन आज हम अपने पूरे जौहर दिखा रहे हैं। आज हमने उसको सही से ठंडा करके रखा हुआ है। और ये बड़े मुतमाना अंदाज से मैं सब्ज़ मिर्चें वगैरह काट के इसके अंदर वापस पैक करके रख रही हूँ। इस पर मुझे वार्निंग मिली हुई है अम्मी से कि अगर इसके ऊपर से टिशू थोड़ा सा भी हट गया ना तो तुम्हें एक पड़ेगी मुझसे, क्योंकि जब भी टिशू इसका हटता है ना ये अंदर से गल जाती हैं। और इसको अम्मी ने वॉश करके रखा होता है इसके अंदर, तो अब इसको बड़े शराफत के साथ यूज़ करके फिर इसको पर्दा करा के इसको वापस ले जाके रखेंगे फ्रिज में। और यहाँ पे दही भल्लों का तकरीबन मिक्सचर तैयार हुआ पड़ा है। इनको जो भी भलियाँ कहते हैं, जो भी कहते हैं, अच्छा ये इसके कई तरह के नाम हैं। कोई इसको दही भल्ले कहता है, कोई कहता है दही भल्ले, तो कोई कहता है दही भलियाँ, दही फुल्कियाँ। अब आप लोग इसको क्या कहते हो मुझे ये बताएं। हम लोग इसको दही भल्ले बोलते हैं, लेकिन जब भाई ने बोलना होता है ना मेरे को कहते हैं दही पलियाँ, मज़ाक से इस तरह बोलता है। तो ये अब आप लोग बताएं आप लोग इसको किस तरह से प्रोनाउंस करते हैं। और एक साइड पे मैं बना रही हूँ जी मिक्स पकौड़ों का बैटर। और यहाँ पर भाई की फरमाइश पर, आज चूँकि भाई घर है ना, तो जब भी पकौड़े बने तो बैंगन के पकौड़े उसके मोस्ट फेवरेट हैं और वो लाजमी बनते हैं। और चाहे सीज़न है या नहीं, ये बैंगन ढूंढ के ले आएगा और फिर उसको होता है कि मुझे इसके पकौड़े बना के दो। और इन पकोड़ों के ऊपर ना लेयर भी उसको बड़ी मोटी तय चाहिए होती है बेसन की, उसके अंदर से ना बैंगन ठीक से नज़र नहीं आने चाहिए। ये कहते हैं इनको अबाया पहना दो, इस तरह की लेयर इसकी बनाओ। तो यहाँ से मैंने बात पिक कर ली कि इसको किस तरह का चाहिए। फुली कवर्ड इसको बैंगन चाहिए होते हैं पकोड़ों में। और इसके ऊपर मिर्चें और नमक मैं इसी तरह हाथ से लगा रही हूँ, क्योंकि इनका खुद का तो इतना कोई फ्लेवर नहीं होता है पकोड़ों में, और वैसे भी स्प्रे वाले हों तो ये नहीं खाए जाते। तो इसके ऊपर मिर्चें और नमक लगा दो ना, तो उसके बाद ये काफ़ी हद तक बेहतर हो जाते हैं और वो पकौड़े बड़े टेस्टी बनते हैं। अब यहाँ पर हम लोगों के आलूओं के कटलेट्स का भी आलू बॉईल हो चुके हैं। और मैस पता क्या हुआ था, हम लोग ने आलू बॉईल कर लिए, मैंने एक किलो आलू बॉईल किया, फिर बाद में मैं कहूँ कि आलू इतने थोड़े थोड़े क्यों लग रहे हैं। तो जब उसके बाद मैंने देखा ना, बीच में से बर्तन निकाले ना, हमने भाई से कहा कि हमें तेरा सॉस पैन तो रेडी करके पकड़ा दो, तो उसने सॉस पैन के अंदर आलू क्यों रखे हुए हैं आप लोगों ने सिंक में, मतलब कि पता ही नहीं चला ना मुझे ना भाभी को कि आलूओं को धोकर पतीले में डालने तक हम से आधे आलू सिंक के अंदर ही, बर्तनों के अंदर ही जाकर गिर गए हैं। और वो सिंक में जो बर्तन रखे थे उनमें पानी था, तो हमें आलू उसमें गिरे नज़र भी नहीं आए, तो वो किलो से आधा किलो आलू रह गए थे। तो मैं कहा अच्छा चलो अब मैं इसका मिक्सचर तैयार करती हूँ, उतने में पकौड़े फ्राई करना शुरू करती हूँ, फिर उतने में बाकी के आलू जो है ना भाभी बॉयल करके वो पास से मुझे दे देंगी। तो जब हम दो होते हैं ना किचन में तो इस तरह का कोई ना कोई कारनामा ज़रूर होते हैं, और एंड तक फिगर आउट नहीं किया जा सकता कि गलती हुई कहाँ पर है। तो अब यहाँ पर भाभी कर रही है जी दही भले तैयार। मैंने जब लास्ट टाइम दही भले बनाए थे ना, तो मैंने बनाए थे अपने बचपन में। बचपन में लोगों को शौक़ होता है गुड़ियों से खेलने का बच्चियों को, और पता नहीं तैयार होने का, पौनिया करने का। मेरे शौक़ बड़े स्ट्रेंज थे, मतलब स्ट्रेंज नहीं थे, शुरू से बड़ों वाले शौक़ थे। मैं गुड़ियों से ज़रूर खेलती होती थी, लेकिन मैं किचन के बर्तन बड़े लेती होती थी अम्मी के साथ जाके, मतलब प्लास्टिक के जो बर्तन है, किचन अपना सेट करती थी और उसके ऊपर मैंने असली वाले फ्रूट्स काट के उसमें मिक्स करने होते थे और उनकी चाट बना के सबको खिलानी होती थी। और वो लाजिम होता था कि सब खाएँगे भी, वरना मैंने नाराज़ हो जाने, मैंने रोने लग जाने पर्दे के पीछे छुप के। इस तरह का अजीब सा वियर्ड सा मेरा बचपन था। और मैंने तब बनाए थे, पता नहीं मैं 10 साल की थी 11 साल की थी, तब मैंने दही भल्ले बनाए थे और मैंने बना लिए थे बेसन के, क्योंकि मुझे नहीं पता था कि ये दाल के बनते, बस मैंने वीडियो में देखा और एक दिन अम्मी को बनाते देखा, तो उसके बाद मैंने कहा कि मैंने दही भल्ले बनाने। लेकिन मज़े की बात यह कि वो बने बड़े टेस्टी थे, यानी वो मीठे नहीं बनाए थे, नमक मिर्च वाले बनाए थे सॉल्टी, लेकिन वो बड़े टेस्टी बने थे। और यहाँ भाभी बना रही मीठे वाले, क्योंकि उनको मीठे वाले दही भले बहुत पसंद हैं। और मुझे अब ठीक से याद नहीं आ रहा था, तो भाभी कहती मैं खुद बनाती हूँ और मैं मीठे वाले बनाऊँगी, क्योंकि इनको पता नहीं इनको क्या ऑब्सेशन है, चीनी अगर वो रायता लेंगी ना तो उसमें भी इन्हें थोड़ी सी चीनी डाल ही लेनी होती है, चाहे वो मिंट रायता हो। और शहरी में भी इन्होंने ऐसे किया था, और मैं कहती थी कि दही मीठा मीठा क्यों लग रहा है भाभी, ये मूली का पराठा तो नहीं मीठा है? तो वो कहती है कि नहीं, मैंने इसके अंदर चीनी डाली हुई है। तब से मुझे आइडिया हुई है, बंदा ना हमारा बड़ा शीरखोर ये बड़ा ना शीरे वाला बंदा है हमारा, मीठी चीज़ें इनको बड़ी ज़्यादा पसंद है। तो यहाँ पे ये अपनी पूरी रेसिपी तैयार कर रही हैं।
अच्छा, किसी और के साथ हुआ है तो मुझे लाजमी बताएं कमेंट में, क्योंकि पहले ही रोज़े के बाद ना हम घर के तीन जो बड़े अफराद थे ना, तीनों बीमार हो गए। अब पता नहीं वो सारा दिन गला खुश्क रहा है, उसके बाद हमने शरबत ले लिया, शायद ये रीज़न बनी, और शरबत हमने ठंडा भी नहीं लिया, तो फिर भी मेरा भी गला ख़राब हो गया, भाभी का भी ख़राब हो गया, और भाई का भी, और तीनों को बुखार हो गया। और अभी तक मेरा जो गला है ना, वो ऐसे लग रहा है जैसे पतीले में मुंह देके आप बोल रहे होते। मेरी आवाज़ अभी भी ठीक नहीं आ रही है, मुझे पता है, बट उसको एक्सक्यूज़ कर दें। और ये जो आलू आपको नज़र आ रहे हैं ना छोटे छोटे से, ये वो आलू जो हमसे सिंक में गिर गए थे, और उसके बाद धो के दोबारा से हमने बॉयल करके फिर उनको अब काटा, और अब उसको भाभी छील के इसके अंदर ऐड करेंगी। और कटलेट्स का मैं आपको मिक्सचर नहीं दिखा सकी क्योंकि मैं किचन में बिज़ी हो गई थी, तो और अफ्तारी में टाइम थोड़ा रह गया था, तो मैंने अम्मी से कहा कि वो आप लोग मुझे तैयार करके प्लीज़ दे दें। और उनका मैंने बता दिया था कि इसके अंदर जस्ट गार्लिक पाउडर डालना और कुछ भी ना डालना, और वो अंदर उसको तैयार कर रहे थे। अच्छा, हमें ना किचन ज़रा खुले की आदत है, और भाभी को भी खुले किचन की आदत है। इनका किचन बहुत बड़ा है, और यहाँ पर अब छोटा सा किचन है, तो हम लोग इसमें मैनेज करते हैं। तो जब भी हम लोग दो लड़कियाँ काम कर रही होती हैं ना, कोई भी दो अफराद काम कर रहे हो ना, तो जब वो मुड़ते हैं ना, तो एक दूसरे से पहले सलाम दुआ होती है, मतलब एक दूसरे से ज़बरदस्ती ना जप्पी डल जाती है आपकी, और उसके बाद जाके आप बाकी की चीज़ें पकड़ते हो। तो इधर ना वो बड़ी मुश्किल हो रही होती है काम करते हैं ना, कि कोई ना कोई चीज़ या भूल जाते हैं या गिर जाती है। तो यहाँ पे ना पकोड़े फ्राई करते हुए दो पकोड़े मुझसे गिर गए, गिरे भी हॉल के पास, और वो गिर के मतलब ऐसी जगह गिरे कि आप उसको उठा भी नहीं सकते हो वहाँ से। तो इस तरह कोई ना कोई सदका रोज़ का हमारे किचन में से खाने पीने का निकल रहा होता है। तो मुश्किल तो हो रही है यहाँ पर काम करने में, लेकिन चलो कोई बात नहीं, एक दूसरे को हौसला देते दिलाते ना हम लोग पूरी अफ्तारी तैयार कर लेती हैं दोनों मिलके। और जहाँ हमें समझ नहीं ना आती काम, हमें लगता है कि अब ज़्यादा हो रहा है, तो वो फिर हम लोग अम्मी की हेल्प ले लेते हैं। और वैसे भी आजकल ना अभी शुरू शुरू के रोज़ है ना, तो अभी कुछ टाइमिंग का हिसाब नहीं लग रहा होता है। हम लोग कभी 3 बजे आ रहे हैं किचन में, कभी 4 बजे आ रहे हैं, और फिर बाद में ना फड़लो हुई होती पूरे किचन में, जल्दी जल्दी करके लगे होते हैं, फिर हम कहते हैं कि टाइम गुजर गया, पता भी नहीं चला। तो इधर आलू के कटलेट्स भी मैंने तैयार कर लिए हैं, और भाभी के दही भले भी तैयार हैं। और ये जो मैं अब अफ्तार के बाद इसको एडिट कर रही हूँ, तो मैं बता रही हूँ बहुत ज़बरदस्त बने थे ये, मार्केट से अच्छे इन्होंने बना लिए थे, और ये एवं इतनी नर्वस हुई जाए थी, पता नहीं कैसे बनेंगे कैसे बनेंगे। तो यहाँ हमारा दस्तरखान तैयार है। अब यहाँ तक अगर आप लोगों ने वॉच कर लिया, तो चैनल को लाइक और वीडियो को सब्सक्राइब करते जाएँ, मतलब कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, बस ठीक है, अब मेरा हो गया इतना ही। अब मैं जा रही हूँ, मैं आपसे मिलती हूँ एक दिन के बाद एक और ब्लॉग के साथ। थैंक यू सो मच, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। अल्लाह हाफिज़।